दीपावली पर जगमगाने वाले दीप हमारे त्यौहार को रोशन करते हैं, लेकिन इन दियों को मूर्त रूप देने वाला कुम्हार गरीबी में जीने को मजबूर है। आधुनिकता के चलते कुम्हार के मिट्टी के दियों की जगह इलेक्ट्रॉनिक दियों ने ले ली है। टोंक जिला मुख्यालय पर सदियों से मिट्टी के बर्तन बनाकर परिवार चलाने वाले कुम्हारों के लिए अब दीपावली का त्यौहार साल भर की खुशियां लेकर नहीं आता। आधुनिकता के साथ चाइनीज आइटम की उपलब्धता और शहरों में काली मिट्टी की अनुपलब्धता जैसे कई कारणों के चलते कुम्हार अब मजदूरी करने को मजबूर है। मिट्टी मोल आती है और चाक भी मोल लाए, और खर्चा नमता नहीं है, लाइट का खर्चा देनी पड़ता है। लकड़ा देखो तो 2000 की एक ट्रोली आओ जे, और फिर दूसरी बात गार देखो तो गांव से ले आओ जा, ये मैं पढ़तो ना पढ़ो माँ के बाहर पढ़तो पढ़ा ना तो बाहर ले अभी जाओ बाहर पैसा की बचत जाओ अब माँ तो खा पीर खर्चो बरोबर जाओ। कुम्हारों की मुख्य आजीविका अब आधुनिकता और महंगाई की भेंट चढ़ती जा रही है। लोग अब इलेक्ट्रॉनिक दियों से घरों को रोशन करते हैं। दुकानदारों की माने तो इलेक्ट्रॉनिक दियों की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है। कारण सस्ता, आकर्षक और टिकाऊ होना। मिट्टी का तो दिए का बिल्कुल चलन जो है खत्म सा हो गया है, और हाईटेक जो दीपावली जो है हाईटेक तरीके से मनाई जा रही है आजकल, तो इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक दिए चल रहे हैं और काफी इनका चलन हो रहा है पहले के मुकाबले। मिट्टी के दिए तो बंद से हो गए हैं। सरकार के पास इनके लिए कोई ठोस योजना नहीं होने से ये कला समय के साथ लुप्त हो रही है। ऐसे में दीपावली के लिए दीपक और मिट्टी के बर्तन सिर्फ कहानियों में सिमट कर रह जाएंगे। टॉक से फर्स्ट इंडिया के लिए रवि टेलर की रिपोर्ट।